नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष के आने वाली सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी के व्रत का सर्वाधिक महत्व है। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने से दिव्य फल प्राप्त होता है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कहा तो यह भी गया है कि एकादशी के दिन किया गया दान हजारों वर्षों की तपस्या के समान पुण्यकारी होता है। ऐसा भी बताया गया है कि इस दिन गौशाला में हरी घास और गायों के लिए उचित व्यवस्था के लिए जितना संभव हो सके धन का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत न रखने वाले भी आज के दिन अन्न का त्याग करें, फल और फलाहार को ग्रहण करें, तो उनको भी इस व्रत का लाभ अवश्य ही होता है। एकादशी के दिन अगर आप भरपूर मात्रा में फलों का दान कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। फलों में अगर आप पीले फलों का दान करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इसी तरह से आप मेवों का दान भी कर सकते हैं, यह भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। चप्पल जूतों का दान कर सकते हैं क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और जरूरतमंदों को दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी के दिन गुड़ का दान करना भी बेहद ही शुभकारी माना गया है। इस दिन गुड़ का दान करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ होता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उससे के हाथ से गुड़ का दान अवश्य ही करवाना चाहिए। सफला एकादशी के दिन कंबल का दान अति उत्तम माना गया है। कहते हैं कि इस तिथि पर गरीबों को कंबल का दान करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सफला एकादशी के दिन तांबे के बर्तन का दान भी बेहद शुभकारी माना गया है। इसका दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आप दाल का दान भी कर सकते हैं। इसका दान करने से व्यक्ति को गुरु दोष से मुक्ति मिलती है और कुंडली में स्थित सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सफला एकादशी के दिन तिल का दान भी अति उत्तम माना गया है। इसे शनिदेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन में शनि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। सफला एकादशी के दिन कपूर का दान करने से भी घर में नकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और सकारात्मकता का वास होता है। एकादशी के पूरे दिन ना तो स्वयं अनाज ग्रहण करना चाहिए और ना ही अनाज दान में देना चाहिए। अगर घर पर उस दिन कोई मेहमान आ जाए तो उसे दूध या फल खिला सकते हैं, लेकिन उस दिन अनाज नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगले दिन व्रत पारण करने के बाद गाय और ब्राह्मणों को खाना खिलाकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का दान भी इस दिन वर्जित माना गया है। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन चावल खाने के अगले जन्म में मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव योनि में होता है। एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु से संबंधित किसी भी पूजा या तिथि में चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी को केवल चावल खाना ही नहीं बल्कि दान देना भी वर्जित माना गया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके दान से आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप बदल सकते हैं। ऐसे ही व्रत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।